यहाँ पे बन रही है कॉफी और वो भी इरफान के हाथों की इंस्टेंट कॉफी है भाई। आपने पीनी है थोड़ा सा, इसका गला ठीक हो जाएगा अगर इसको ब्लैक टी दे दें तो। थोड़ी गले में खराश हो रही है मीरब के। ओके बच्चे कॉफी नहीं पीते। ओके ओके मैं बना रहे पापा। डैडी डैडी मामा। यस मामा लव यू। लव यू टू। अब क्रीमर मेरे पास है क्या? ब्लैक कॉफी दे दो, क्रीमर आप अपने में डाल लो, मेरी ऐसे प्लेन रहने दें, मुझे पीनी भी नहीं थी वो दूसरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, पता नहीं किस एंगल से उसे ये वीडियो बना रहे थे तो काफ़ी क्लोज दिख रहा है और बहुत ही इसमें मैं फ्लफी दिख रही हूँ। और इसके अलावा अभी हम लोग मक्का में हैं और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं इसके बाद हम लोग जिद्दा के लिए रवाना होंगे। आज के व्लॉग को आप लोग खूब इंजॉय करेंगे, मेरे हस्बैंड की गपशप भी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि हस्बैंड को बोलने दिया करें, तो आज आप उनकी ज़रा गपशप सुनेंगे। और इसके अलावा चलेंगे जिद्दा, वहाँ पर मैं आप लोगों को एक लोकल मार्केट का विज़िट कराऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। Water park. Listen. Water park. Water park. Summer may open. चलें decide करते हैं कि कहाँ जाते हैं। मैं तो कितने सूप चलते हैं, हर बार मैं YouTube पे वो हॉल विजिट कर रही होती हूँ। अगर सूप दिखा दे। सूप तो वही हो रहा है ना पहले। सारी चीज़ें इरफान यहाँ पे पैक कर रहे हैं और निकलने वाले हम लोग जिद्दा के लिए। इतनी सारी चीज़ें कैसे उठाएंगे इरफान? इरफान इस वक्त ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि मैं हेल्प करता हूँ पैकिंग में। वाओ इरफान, मैं सारी पैकिंग की आज। एक्चुअली इरफान करते नहीं है ना, इसीलिए अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं करता हूं। के दिखाना मैंने। चलें थैंक यू आपकी इतनी भी पैकिंग का। ये देखें इरफान ने उसैद का बैग पैक किया, जो कि चीज़ें कुछ यहाँ पे थी सिर्फ इसमें डाली हैं। ये इरफान की हेल्प है, ये भी बहुत है। चलें कोई बात नहीं, थैंक यू। चलें हो गया डन। मीरब मेरी बहुत अच्छी है पैकिंग में अपनी चीज़ें, मुझे इसकी चीज़ों की फिक्र ही नहीं होती। इसने यस यस यू टू Yes, you just packed your stuff. Right? और guys, जिस वक्त मैंने आप लोगों के comment read किए थे उस वक्त जितने भी नाम थे वो मैंने सारे mention किए, लेकिन जो comment बाद में आए हैं दुआ के लिए उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। इस लेकिन जितने भी comment उस वक्त मौजूद थे वो मैंने सारे नाम लिए हैं। और बाकी जो मैंने कमेंट उमरा करने के बाद रिसीव किए थे उसके लिए मैं माजरत करना चाहूँगी, क्योंकि जो उस वक्त कमेंट मौजूद थे वो मैंने सब मेंशन किए, जो बाद में रिसीव हुए तो वो मैं हरम में कैसे मेंशन कर सकती थी, तो उसके लिए माजरत। इस मार्केट को ना विज़िट कर लें। ओके मुझे तो ये रिंग्स दूर से बुलाती हैं। आप हर दफ़ा लेती हैं बेटे, क्या करना है? Put it back. Mommy, no, I want it. Okay, ask daddy. यहाँ पे rings अच्छी थी लेकिन वो expensive दे रहा था। ये वाली तो खैर 5 रियाल तक मिल जाती हैं। वो उधर अच्छी रखी हुई थी जो कि कह रहा है कि 50 रियाल की। ये ऐसे ही कर रहा है, मुझे भी रिंग्स इसने बहुत एक्सपेंसिव बताई हैं। देखिए हर तरफ हुजूम ही हुजूम है। पीजन। चलो ये बर्ड्स को फीड कर दो इसको, लेकिन रिप करके वहां फेंक दो। जाओ बैठ जाओ बेटे। चले अपनी गाड़ी तक पहुंच गए।
जाफेट को क्या कहते हैं तुर्किज में? गुर्जस. गुर्जस मीन्स वी विल सी. गुर्जस. उष्णा को तुर्किश आती है और मुझे जो है ना देसी तरीके से तुर्किश आती है. गुर्जस. क्या होता है उष्णा? गुर्जस. और मैं कहता हूँ गुर्जस. लफ्ज बोलना चाहिए ना. अब वो कहती है गुर्जस. वो प्रॉपर तरीके से बोलती है ना. उसका और एक्सेंट है. अच्छा एक्सेंट है उसका तुर्किश का. तो हम बोलेंगे तो आएगा. इरफान अपने एक्सेंट में तुर्किश बोलते हैं. गुर्जस. गुर्जस. और उष्णा बोलती दिखाओ आप. एथियार्थक. क्या कहती है उष्णा? एथियार्थक. उष्णा ने छोड़ दिया वो जब से वो उष्णा के पास तो देखेगी. बस वो जो कोविड में टाइम था तो लोगों ने खूब देखा. सपने देखा है. असल में वो एक वजह एक और भी थी. पुर्तगाल को जो है ना पीटीवी के ऊपर इमरान खान ने उसको वो चलवा दिया था ताकि लोग हिस्ट्री से अवेयरनेस हासिल करें. लेकिन अब ऐसा कुछ माहौल नहीं है. अब लोग जो है ना वो इतना मुश्किल कहाँ से. अब यूट्यूब पे तो आता ही नहीं है वो. उसका ना तो उसका तर्जमा आता है. लोगों को भी तुर्की समझ नहीं आती. हम भी ऑनलाइन वेबसाइट से देखते हैं. वो जो आप डब करके सुनते हैं ना उसका मजा नहीं है. आप देखें उसमें जो सब टाइटल्स हों और तुर्किश बोलते हुए उसका जो एक रूह है ना बोलने की वो ज़ाय नहीं होनी चाहिए. जो तुर्किश बोल रहे हैं ना असल तो मजा उसी एक्टर का है जो वो बोलता है. डब से वो चीज़ डब से तो वो जाया हो गया ना. वो तो आप कोई और बंदा बोल रहा है वो वैसे अदा कर पाता है कि नहीं वो तो नहीं हमें समझ आएगा. अब वहाँ लड़ाई चल रही है और बोलने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ जो जिस लैंग्वेज में हो उस लैंग्वेज में सुनने देखने का मजा आता है. सबटाइटल के साथ बस आपको समझने के लिए सबटाइटल चाहिए होते हैं कि यार ये हो क्या रहा है. तो पुर्तगाल को हमने बहुत इंजॉय किया. लेकिन बुर्लोस उस्मान में थोड़ा इन्होंने एक तो एक्टर भी थोड़ा माठा है वो उस्मान और पुर्तगाल के मुकाबले में. मतलब यह है कि एक तो उसकी पर्सनालिटी में ग्रेस था और एक जैसे ऐसा लगता था कि वो ही बंदा ऐसा ही होगा. ओरिजिनलिटी है ना उस कैरेक्टर में उसने सुमो लिया अपने आप को. ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल हो रहा है. यही है बंदा. यही था. ड्रामा पुराना हो गया लेकिन डिस्कस अब हम लोग कर रहे हैं. और हलीमे भी वैसे भी वो हलीमे जो थी ना उसकी वो भी वैसे ही बिहेव हुई है. हमें अच्छा लगा. कैरेक्टर सब अच्छे थे उसमें. इसमें आप देखो बाला को देख लो और वो दूसरी जो है मलहून तो वो उतना अच्छा कैरेक्टर नहीं पेश कर पाई जिस तरह से वो एक्चुअल कैरेक्टर की रूह है. और भी इनमें फाइट भी थोड़ी फेक सी है. मुझे वो अच्छा नहीं लगा. लेकिन वो पुर्तगाल में एक तो उसकी पर्सनैलिटी पे वो कैरेक्टर मैच कर गया. तभी तो उन्होंने सबसे पहले काम किया है कार्लोस उस्मान में. जो पुराना एक्टर था ना इथेन था क्या इथेन नाम था उसका. वो जो पहला एक्टर था वो उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर हटा दिया क्योंकि उस जब वो आता था ना तो लोग उस्मान को भूल जाते थे. उन्होंने कहा यार पहले इसका तो कला कामा करो. उस्मान में वो पुराना एक्टर आया ही नहीं है पुर्तगाल जो था. बहर अच्छा ड्रामा देखना चाहिए आप लोगों को. बुर्लोस उस्मान हो या पुर्तगाल तो देख ही लिया तकरीबन सब लोगों ने देखा होगा. सबने देखा पुर्तगाल तो सबने देखा. हाँ लेकिन बुर्लोस उस्मान में ना लोग बोर हो जाते हैं. मैं तो खैर उस्मान भी शायद दो महीने में नाराज हो जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ. क्या करो मेरे पास और कोई हिस्ट्री हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है. लेकिन ये हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री है. हमें चाहिए हमें रीड करनी चाहिए. वैसे रीड करने का आजकल दौर नहीं है. आजकल वो एक्टिंग देखने का शौक देख ले. हाँ. तो जो परफॉर्म करके दिखाते हैं वो बेसिकली तो हमारी हिस्ट्री है ना कि हमारे जो मुस्लिम एम्परर थे या हमारे जो लीडर्स थे वो कैसे थे और हमने ये जो दुनिया फतेह की थी कैसे की थी. क्योंकि वो अब आजकल सहाबा के ऊपर तो बनती नहीं है मूवीज. ये वो कैसे जिहाद करते थे ये एक तुर्कों का एक किस्म का जिहाद ही था जिन्होंने आधी दुनिया फतह की. 1200 से लेकर आप देखो ना 1800 तक की
1900 तक मेरा 1923 तक ये कायम रहे, उसके बाद खत्म हो गया। जिदा भी पहुंच गए। हाँ अभी गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर थोड़ी देर स्टे करेंगे, खाना खाएंगे होटल में। और ये किचन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रेड एंड ऑफ वाइट। और इस तरफ ये बेडरूम, स्पेशियस है ये अपार्टमेंट। बाथरूम अच्छा होना चाहिए और ये बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है। और ये सिटिंग इनकी काफ़ी छोटी है। और इस तरफ मिरर, इस तरफ ये किड्स बेडरूम, यहाँ पे बेड्स कम है। और एक वॉशरूम ये भी है, दो वॉशरूम हो तो भी सही रहता है, दो वॉशरूम है। और ये है जी जिद्दा का अपार्टमेंट। रास्ते में हम लोगों ने पकड़ी थी स्टूडेंट बिरयानी, और अभी पहले खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। यस, अच्छे से खा लो फिर निकलेंगे, ठीक है। इवान की फेवरेट, नो स्टूडेंट बिरयानी पापा की फेवरेट। अभी डिसाइड करेंगे। यहाँ इरफान खाना लगा रहे हैं। आज इरफान एक्टिव हुए हुए हैं। उफ़ अल्लाह इरफान। अच्छा थैंक यू। आज इरफान का किचन रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इरफान किचन रूटीन ऑन वीकेंड्स। हाँ अभी किचन को मैंने संभाला। ये इरफान का किचन है, आज मैं आपको दिखा रही हूँ इरफान का किचन और इरफान की रूटीन इन किचन। चलें, लग गया जर्दा लिए। जर्दा इनका अच्छा लगता है मुझे। जर्दा है ना? वो उधर ही होगा ये चेयर। नहीं नहीं, उस बकेट में बिरयानी है, इसको इधर रखें। चल चेयर्स पूरी करते हैं। यहाँ पे सब इतना थक गए हैं कि अब हो रहा है यहाँ पे मसाज। सब ने बारी बारी करवाया है, अभी उसे ऐद की बारी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे तैयार हैं बाहर जाने के लिए। और मीरब आपने बाल फिर से ख़राब कर दिए, आपके बेबी हेयर निकले हुए होते हैं ना तो उससे फिर रफ लुक आती है। या आई नो। ओके काउंट इट। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बवादी मार्केट। लोकल मार्केट है और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, अबाइस मिल जाते हैं, पर्स, शूज़, एवरीथिंग। अभी चलते हैं बवादी मार्केट। और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, इसमें बंदा थक भी जाता है। बच्चों का काम कोई नहीं है, है ना? ये लोग तंग करते हैं। बच्चे कहते हैं कि बस मॉल चलें। मीरा पहले मेरे साथ आ रही थी, मैंने उनको कहीं और भगा दिया क्योंकि यहाँ पे बच्चे तंग करते हैं। ये मार्केट ऐसी है। कॉस्मेटिक्स शॉप्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ लास्ट टाइम हमने कोई यहाँ से पैलेट लिया था, यहाँ से कुछ लिया, एक्सटेंशंस। और गाइज इस मार्केट में आपको सस्ते अबायाज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे 30 का भी अबाया मिल जाता है और इसके अलावा 50 में, 70 में भी आपको अबाया मिल जाता है। और ये भी नहीं है कि कोई बैड क्वालिटी होती है, नए अबायाज़ होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करके थोड़ा ढूंढना पड़ता है। कुछ अच्छे भी मिल जाते हैं, लाइक जैसे ये वाला अबाया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम। ये 50 रियाल का है, ये देखें जी।
आपको फेयर प्राइस बहुत कम लोग बताते होंगे, और इवन किसी से मार्केट का पूछें तो वो आपको सही नाम भी नहीं बताते हैं। ये हम यूट्यूबर्स होते हैं जो कि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से और फेयर बात आप लोगों से करते हैं, तो ये बहुत ही कम प्राइस में था, तो मैंने सोचा कि इस मार्केट का विज़िट मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊँगी। कुछ ये अंदर भी देख लेते हैं, मैं नए वाले देख रही हूँ। ये मुझे एक लग रहा है ब्लू वन, ये वाइट, ये पिंक। एक और शॉप है, ये ब्लू अच्छा है, दिस ब्लू, और इसके साथ ग्रीन भी अच्छा है, और वो एक प्लेन में ब्लू है, वो भी अच्छा दिख रहा है। इस वक्त जो आप लोग अबायस देख रहे हैं, इनकी प्राइस 70 रियाल थी, जो बाहर आप लोगों ने देखे हैं उनकी प्राइस 50 और 30 रियाल थी। यहाँ पे आपको लोकल बैग्स भी मिल जाएंगे, ये देखें, ये इस तरह के कुछ बैग्स यहाँ पे, ये देखें, ये सारे ये वाला बैग बेहतर है। ये पूछते हैं कि ये कितने का है भाई, ये कितने का है ये वाला? 40 रियाल का, मतलब कम करके कितने में देंगे? लास्ट 40 है, लास्ट 40, ये 30 का। कौन सा 30 का? ये 30 का, ये वाला नहीं, ये वाला अगर 30 40 में। और कलर है इसमें? ये खत्म हो गया इसलिए दिया। अच्छा, खत्म हो गया। और ये मार्केट कुछ इस तरह से दिख रही है, छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, बाहर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, अंदर भी शॉप्स हैं, और हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है। होती लोकल चीज़ है, लेकिन सब चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे ये ज्वेलरी शॉप है, इसको भी विज़िट कर लेते हैं अंदर से। और यहाँ पे कुछ ब्रांडेड चीज़ों की कॉपी रखी हुई थी, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन बारगेनिंग करवा के आपको चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती है। ये बिल्कुल गोल्ड की लग रही हैं। ये यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल बैंगल्स भी रखी हुई हैं। और अब मैं आप लोगों को विज़िट करा रही हूँ, एक मैक्सिस की शॉप है, इस पर काफ़ी अच्छी जो मैक्सिस हैं वो मिल जाती हैं। ये 50 रियाल का सेक्शन है, ये सीक्वेंस वाली यहाँ पे मैक्सिस हैं, कुछ 100 में हैं, कुछ 150 में। और इस वक्त मैंने कुछ फ्रॉक्स उठाई हुई हैं जो कि बहुत खूबसूरत थी सीक्वेंस में, और इसमें बहुत खूबसूरत कलर थे, एक ब्लैक और इसके अलावा पर्पल कलर में, मैरून कलर में। कुछ स्लीवलेस थी और कुछ स्लीव्स के साथ थी, और ये सिर्फ 50 रियाल में थी। इतनी सस्ती मैक्सिस आपको बहुत कम मिलती हैं, और इतनी खूबसूरत, क्योंकि इनकी स्टिचिंग बहुत खूबसूरत होती है। और इसके अलावा इस मार्केट में बच्चों की भी बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स मिल जाती हैं। मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों को वहाँ भी विज़िट कराऊंगी, लेकिन मेरे पास टाइम कम था। इंशाल्लाह फिर कभी विज़िट कराऊंगी। और आज के व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है। और इस वक्त मैं कुछ लॉन्ग मैक्सिस भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ स्टाइल्स के साथ यहाँ पर मैक्सिस मौजूद थी। ये वाली मैक्सी बहुत खूबसूरत थी, डिसेंट किस्म की। तो गाइज़, आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अब इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और वो भी जिद्दा का व्लॉग होगा पार्ट 2। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।